तो भाई कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो ऐसी कंडीशन में उसके दिमाग में एक ही थिंक रहती है कि अगर उसका बच्चा जब भी पैदा हो तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होना चाहिए। ये सभी महिलाओं की ख्वाहिश रहती है। मगर इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए कुछ टिप्स वगैरह होते हैं, कुछ बातें रहती हैं जिन चीजों को ध्यान रखना होता है। तो मैं आज उन्हीं बातों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको आप लोग फॉलो करके अपना एक हेल्दी बच्चा पैदा कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते हैं शुरू। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है रिकी और आप देख रहे हो माइंड गेम चैनल। तो शुरू करें। चलो भाई दोस्तों, बात करें आजकल की लड़कियों की। जब भी वो लोग गर्भवती होती हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, चाहे विदेश की हो, चाहे यानी किसी भी कंट्री की हो, तो उसके मन में एक ही ख्वाहिश रहती है कि अगर उसका बच्चा पैदा हो तो वो बिल्कुल ही एक हेल्दी बच्चा होना चाहिए। मगर उन चीज़ों को पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ बातों का ध्यान हम लोगों को रखना ही पड़ता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों, नींद। लड़कियों को नींद बहुत ही अच्छे लेवल की लेनी चाहिए ताकि उनके लिए तो अच्छा रहे, साथ ही साथ जो गर्भ में उनके बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है वो चीज़ भी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। अब कम से कम यहाँ पे 8 घंटे की नींद उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सोने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और उनके बच्चे के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब दूसरी चीज़ आती है, खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इस कंडीशन में उन लोगों को हरी सब्जियों की तरफ बहुत ही ज़्यादा झुकाव करना होता है। तो अगर आप लोग प्रेगनेंसी के दौर में हो या फिर आप लोग प्रेग्नेंट होने वाले हो तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों को अपने खाने पीने का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। जो भी अटरम शटरम आप लोग खाते पीते हो तो उन चीज़ों को अवॉइड करके आप लोगों को हरी सब्जियों की तरफ खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उससे ये रहता है कि काफ़ी सारे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स वगैरह हो गया, वो आप लोगों की बॉडी को बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं आपकी बॉडी के विकास के लिए, साथ ही साथ होने वाले बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे तीसरी चीज़ की, शराब और धूम्रपान। तो आज का ज़माना इतना ज़्यादा मॉडर्न है कि बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं जो कि शराब हो गया या फिर सिगरेट वगैरह हो गया, इन चीज़ों का बड़ी आसानी के साथ में सेवन करते रहते हैं। तो अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो गए हो तो इस सिचुएशन में आप लोगों को शराब और सिगरेट को तो बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए। अगर आप लोग इनका सेवन करते रहते हो तो उस सिचुएशन में जो भी पेट में पल रहा होता है बच्चा, उसके डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो बच्चा सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाता, सही ढंग से हेल्दी हो ही नहीं पाता। इन चीज़ों के सेवन से बच्चे को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो शराब और सिगरेट, इन चीज़ों का सेवन आप लोगों को बिल्कुल ही बंद कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आती है चौथी चीज़। चौथी चीज़ में ये है दोस्तों कि जंक फूड वगैरह बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ें खाती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उन लोगों को वेट बढ़ने की टेंशन नहीं रहती, ना ही खाने पीने की कोई रिस्ट्रिक्शन रहती है। जो भी उन लोगों का मन करता है उनके हस्बैंड वगैरह उनको ला करके दे ही देते हैं। मगर आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप लोगों को हेल्दी बच्चा चाहिए तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो भी आप लोग जंक फूड या बाहर का जो भी तला भुना खाना पीना खाते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए पौष्टिक नहीं रहता। आपकी बॉडी को कहीं से भी उससे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, वो परमानेंटली तरीके से आप लोगों को मिलते नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपकी बॉडी का तो डेवलपमेंट होता ही नहीं है सही ढंग से, साथ ही साथ आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके डेवलपमेंट पर भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप लोग बिल्कुल ही अवॉइड कर दो अपनी लाइफ से, क्योंकि 9 महीने की बात है, उसके बाद में आप लोग कुछ भी खा पी सकते हो। मगर 9 महीने में आप लोगों को अगर अपना बच्चा हेल्दी बनाना है और चाहते हो कि हेल्दी बच्चा पैदा हो तो इस सिचुएशन में आप लोगों को इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे, जिसकी मदद से जब भी आप लोग मां बनोगे तो इस सिचुएशन में आप लोगों को बहुत ही हेल्दी बच्चा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा, नॉलेज का लेवल गेन हुआ होगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगा तो यार ठोको लाइक, क्योंकि लाइक तो बनता ही है। मेरे चैनल पे भूले भटके आए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। और दोस्तों दिमाग में कोई भी सवाल हो, कोई भी ख्याल हो, कोई भी बवाल हो तो कमेंट कर देना, आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। तो ज्यादा बकैती न करते हुए करते हैं खत्म। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।